नमस्कार, मैं हूं संपदा झा और आप देख रहे हैं प्रभात वार्ता। पश्चिम बंगाल में 44वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के दौरान रविवार को पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को कुछ वक्त के लिए हनुमान चालीसा बांटने से रोक दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया। आपको बता दें कि रविवार को पुस्तक मेले का अंतिम दिन था, जिस दिन ये घटना हुई। वही इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने पुलिस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि कुरान और बाइबल लोग बांट सकते हैं तो फिर हनुमान चालीसा क्यों नहीं? वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने कहा है कि उन्होंने धार्मिक किताब बांटने पर इसलिए एतराज जताया कि इसे आगंतुक भावावेश में आ सकते हैं, जिससे कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समस्या उत्पन्न हो सकती है। हालांकि पुलिस ने बाद में अपना रुख नरम किया और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किताब को फिर से बांटना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी भाजपा ने पुलिस प्रशासन से इस मामले को लेकर सवाल किया है कि आखिर क्यों कुरान और बाइबल जब बांटा जा सकता है तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं? आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।